यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे बैठ के लोग ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोगों को आते जाते देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है भाई सच में। देख सकते हो ये बस पार्क हो गया, ओके। और अभी का ब्लॉग में मैं आप लोगों को बरदुबई ओल्ड सिटी एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ, ओके। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। वेलकम बैक टू माई न्यू एंड अदर ब्लॉग। भाई अलगुबेबा बस स्टेशन ऐसा है कि यहाँ से यूएई का सभी जगह पे यहाँ से बस जाता है, ओके। और मेट्रो स्टेशन भी है इसी का नीचे, मेट्रो स्टेशन भी है, मैं वो भी दिखाऊँगा आप लोगों को, ओके। देखो ऐसा कुछ है भाई, नहीं ये मेट्रो स्टेशन हो गया और उधर कैरी फोर है वो साइड में, ओके। चलो अभी मैं आप लोगों को नेपाली पार्क दिखाता हूँ। अलगुबेबा स्टेशन का ऊपर नेपाली लोग ज़्यादातर रहता है, तो ये जगह ज़्यादातर फेमस नेपाली पार्क से है, ओके। नेपाली पार्क में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, चलो। ऐसा कुछ है, कमाने के लिए तो ये लोग से सीखना पड़ेगा। देखो पुराने ओल्ड विलेज था, अभी म्यूजियम बना दिया है, क्योंकि अभी दुबई में बहुत ही एडवांस बिल्डिंग्स बन चुका है, तो मेमोरी के लिए ये लोगों ने ओल्ड विलेज को सजा के रखा हुआ है म्यूजियम बना के, ओके। ये साइड से देखो इधर समुंदर कैनाल हो गया, यहाँ पे फेरी बोट चलता है, यहाँ से डायरेक्ट मरीना दुबई भी जाता है वहाँ से, ओके। और छोटा छोटा फेरी नाव भी चलता है उधर, उस पार जाने के लिए एक दिराम लेगा इधर से उधर। क्या है यार इधर, बाप रे इधर तो बहुत ज़्यादा नेपाली नेपाली है यार। क्या छ ये क्या भाई इधर, भाई देख रहे हो नेपाली लोग। ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा नेपाली एक साथ इकट्ठे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी गर्मी ज़्यादा है ना, इस वजह से ठंडी इधर ठंडा है, तो ये इधर ही बैठा हुआ है, नहीं तो उधर पार्क में बैठा होता। नेपाली गाना बज रहा है भाई यहाँ दुबई का रेस्टोरेंट में। और बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करके सजाया है ना, देखो गमला में, इधर भी देखो, वाह। ओके भाई देखो इधर फेरी ही फेरी है इधर। अगर आप बरदुबई घूमने के लिए आते हो तो इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करना, सस्ता है भाई, ओनली एक दिरहम में इस पार से उस पार जा सकते हो और उस पार से इस पार आ सकते हो एक एक दिरहम में, ओके। चलो पहले मार्केट घूम लेते हैं, दुबई का ओल्ड मार्केट, ओल्ड सिटी तो घूम लिया, अब ओल्ड मार्केट घूमने जा। ओल्ड मार्केट का दरवाज़ा यही है भाई, गेट ग्रैंड सुक बर दुबई। अच्छा है भाई, भाई ये ओल्ड मार्केट में आप लोगों को ट्रेडिशनल आइटम्स, ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म, उसके बाद बहुत सारे चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ख़रीदने के लिए, ओके। अरेबिक परफ्यूम वगैरह वगैरह, यहाँ से जाएगा फेरी में। इधर ही देगा,
चलो बैठता हूँ इधर ही। भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है, देख सकते हो बोट राइडिंग कर रहा हूँ अभी। ओनली वन दिराम में आप लोग इधर से उधर जा सकते हो, आ सकते हो। देखो और उस साइड में ओल्ड सिटी हो जाता है, उस साइड में देख सकते हो ओल्ड सिटी है उधर। और इस पार हो गया डेरा सिटी, इधर से इस पार हो गया बरदुबई अलगुबेवा और इधर डेरा सिटी हो गया। तो हम लोग अभी डेरा सिटी में जा रहे हैं भाई। फेरी स्टेशन कुछ इस तरह से दिखता है, देखो पूरा लकड़ी का स्टेशन बनाया हुआ है, देख सकते हो। और स्पेशली बरदुबई से डेरा दुबई फेरी चढ़ के लोग क्यों आता है ज़्यादातर, वो गोलसुख देखने के लिए आता है। ओके, यहाँ का सबसे फेमस और ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करने वाला जगह है गोलसुख। तो मैं आप लोगों का दिखाता हूँ, सच में यार इतना बड़ा बड़ा ज्वेलरी गोल्ड का देखने के लिए मिलेगा कि मैं क्या ही बताऊँ। दुनिया में वैसा ज्वेलरी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गोलसुख डेरा दुबई में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। डेरा का ओल्ड मार्केट है, देख सकते हैं, चर्च है या क्या है, मस्जिद है, देखो ये स्ट्रीट, देखो कैसा दिख रहा है यार। देखो ट्रेडिशनल आइटम्स, लाइट बत्ती वगैरह वगैरह देख सकते हो। ओके भाई, फाइनली गोलसुख का गेट में आ चुका हूँ मैं अभी। देखो फोटो खिंचा रहे हैं लोग यहाँ पे, देखो पूरा गोल्ड का मार्केट है भाई, गोल्ड ज्वेलरी का मार्केट ही मार्केट है, दिखाई देता। और यहाँ पे ना भाई मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, देखो गोल्ड का सबसे बड़ा रिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे दर्ज है, देखो सर्टिफिकेट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिंग। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है भाई, गोल्ड का सबसे बड़ा रिंग गोल्ड और डायमंड का। ओ माय गॉड, इतने बड़ा बड़ा हार देखो तो, इतना बड़ा हार कौन पहनेगा भाई, अरे भी लोग पहनता है लेकिन बाप रे बाप, गजब। इधर भी देखो, ओ माय गॉड गजब है ना, ज़्यादा लोग वही देखने के लिए आते हैं। ओ माय गॉड यार, इधर देखो इधर, ओ गॉड, उधर भी, और देखो वैसे ही एक अरबी लड़की पहन के दिखा रहा है, इधर भी वैसा ही है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा बड़ा ज्वेलरी कभी देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा होगा। और भाई कस्टमर लोगों के लिए बहुत ही ध्यान में रह के देखो किस तरह से धूप से बचने के लिए लकड़ी का छांव बना दिया, पूरा घेर दिया है। उसके बाद पंखे का भी व्यवस्था कर दिया है, देखो ये हो गया सर्कल, उधर भी जा सकते हो और उधर भी जा सकते हो, देखो और उधर भी जा सकते हो। भाई ये ब्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और क्या है कमेंट मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।